हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल होम लाइक हेवन में। तो आज होम लाइक हेवन में बनेगा बैंगन का भरता। तो देखिए कितने ताज़े ताज़े बैंगन हैं। बैंगन इतने बढ़िया हैं तो भरता तो बिल्कुल गजब बनने वाला है, सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंगन का भरता। बैंगन का भरता बनाने के लिए हमने यहाँ पर बिल्कुल साफ और अच्छे ताज़े दो बैंगन ले लिए हैं, तो आप उनको एक बार चेक कर लें कि बैंगन आपका ख़राब ना हो। तो देखिए कितने बिल्कुल ताज़े बैंगन लिए हैं और इनको हम अब लगाएंगे तेल। आप इस पे रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं या तेल लगा लें। तो इस तरह से इसको बिल्कुल चिकना करना है हमें, तो इसको चारों तरफ से हमें अच्छे से तेल लगा लेना है, जिससे कि जब हम इसको भुने तो ये जल ना जाए। तो इसको अच्छे से लगा लेना है। तो इसी तरह से मैं दूसरे पे भी तेल लगा लूँगी। और देखिए अब हम गैस का फ्लेम कर लेंगे ऑन, और मैं इस तरह से इसको बैंगन को रख दूँगी। और हमें गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम ही रखना है, लो टू मीडियम रखना है, जिससे हमारा जो बैंगन है यानी कि बाहर से ना जल जाए बल्कि अंदर तक अच्छे से सिक जाए। तो देखिए इसको हम घुमाते हुए उलटते पुलटते अच्छी तरह से इसको सेक लेंगे चारों तरफ से। तो देखिए बैंगन अच्छे से भुन गया है, और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया कलर आया है इसका, बहुत अच्छा लग रहा है और जला भी नहीं है, अभी थोड़ा गर्म है। तो उसके बाद हम इसको, तो बैंगन हो गया है हमारा ठंडा, अब हम इसको आसानी से छील लेंगे। तो देखिए बिल्कुल आसानी से छिल जाएगा क्योंकि हमने इसको अच्छे से तेल लगाया था और ये अच्छे से भुना हुआ है। ये देखिए हाथ से ही बिल्कुल आसानी से इसका छिलका उतर जाता है, तो मैं इसको छील लेती हूँ। तो फटाफट से मैं दोनों बैंगनों का छिलका निकाल कर आपको दिखाती हूँ। तो हमने दोनों बैंगन को छील लिया है, और ये देखिए हम स्पून की सहायता से इनको इस तरह से इन पीस लेंगे। ये बिल्कुल स्पून की सहायता से ही हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये अच्छे से भुना हुआ है। तो देखिए इनका एक इस तरह से पेस्ट बन जाएगा। अब जो हम इसमें मसाले डालेंगे वो हम देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 2 से 3 मिर्च ली हैं, 4 से 5 कड़ी पत्ता, थोड़ा सा अदरक, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और 1 प्याज। यहाँ पर मैं गैस ऑन कर दी है, और मैं एक पैन ले लूँगी, उसमें डाल लेंगे हम सरसों का तेल, क्योंकि सरसों के तेल में बने हुए खाने की बात ही अलग होती है। यहाँ पर ले लिया है मैंने आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच राई, 3 से 4 कड़ी पत्ते। अब जो हमने मसाले काट कर रखे हैं वो डाल देते हैं, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और प्याज। इनको अच्छे से भून लेंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, तो गोल्डन ब्राउन आने तक हम इसको भून लेते हैं। अभी हम यहाँ पर डाल रहे हैं थोड़ा सा 1 पिंच हींग। तो देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें बाकी मसाले भी ऐड कर लेते हैं। 2 चम्मच धनिया पाउडर, और जो कटा हुआ टमाटर है वो भी हम डाल देते हैं। टमाटर को थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें डाल देते हैं आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच लाल मिर्च। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक ले लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो देखिए क्या बढ़िया कलर आ रहा है, यानी कि हमारा भरता बढ़िया बनने वाला है, एकदम गजब। और अब हम यहाँ पर जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से पक चुके हैं, अब हम यहाँ ऐड कर देंगे अपना बैंगन का पेस्ट जो हमने बनाया था, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा भून लेंगे, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैंगन हमारा अच्छे से भून चुका था। फिर भी हम इसको 2-4 मिनट भून लेंगे। तो बैंगन का भरता तैयार हो चुका है, अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए रेडी हो चुका है बैंगन का भरता। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। तो देखिए क्या गजब लग रहा है बैंगन का भरता, तो टेस्ट करेंगे। तो आप इसको रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं, और ये बेहद देखने में ही बहुत अच्छा और टेस्टी लग रहा है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।